समंदर में बहा दीजिए। किसान लेकिन ये खबर छिपी नहीं रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। और फिर 45 दिन बाद 26 जून 1933 को जेल अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। लेकिन देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान के सेलुलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को सेलुलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और कांग्रेस की कार्यकारिणी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूँ। आक्षर हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों की जीत हुई। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेलुलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। आखिरी जत्था जनवरी 1938 में रवाना हुआ और 80 साल बाद सेलुलर जेल राजनीतिक बंदियों से खाली हुई और अंडमान द्वीप समूह के इतिहास का एक तकलीफदेह दौर खत्म हो गया। मगर एक और सारा दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। जापान वाले हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ